अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? आप ही आई में आए, हम तो आए हुए रहते हैं। आई भी आई भी नहीं है, जबरदस्ती रुका रखा है इनको, वरना ये भागे जा रही है हमारे हाथों में से निकल गए। अच्छा, हमने इनको क्यों रुकाया वो आपको बता देते हैं। बताओ भाई, और सब आप लोग कैसे हैं? अल्लाह करके खुश रहे, बहुत अच्छे से रहे। अम्मी आ गई, दुआ दे भाई, पढ़ कर दुआएं देते। तो गाइज अभी का जो प्रोग्राम है आज का वो बताओ भाई। तो गाइज हमारे जो नए दूल्हा दुल्हन है, आज उनकी दावत है, हमने उनको बुला रखा है शाम के खाने पर। वो दूल्हा दुल्हन है हमारी फूफी है, जो कि यमुना विहार में रहती है। यमुना विहार में रहती है, उनके बेटे और बहू की शादी हुई थी। समझ रहे हो आप? जो आप आपने व्लॉग देखा होगा, पिछले व्लॉग में डाल दूंगा, फोटो डाल दूंगा, जिसने नहीं देखा फटाफट से देखो, आप लोग जरूर देखिएगा। आज वो नया दूल्हा दुल्हन है, उनकी दावत है आज शाम, उनकी दावत है। शादी को तो फिर तकरीबन 3-4 महीने हो गए उनकी, है ना? 3 महीने ये दावत बहुत टाइम से पेंडिंग थी, लेकिन इनकी कभी टूटी फूटी जा रही है। फातिमा को बुखार, कभी नजला, कभी सर में दर्द, कभी कमर में दर्द, मतलब मैं डॉक्टर के इतना गया हूँ, इतना डॉक्टर के मैं गया हूँ, डॉक्टर मुझसे कहना गया था भाई बीवी से लिया शादी करके, छलावे से लिया शादी करके, बीमारी रहती है तुम्हारी बीवी हर वक्त। तो फिर अभी मेरी बीवी ठीक है और साथ में आप ही, मेरी बीवी की चोट भी लग गई। हाँ गाइस, हम गए थे हॉस्पिटल, वो वाला ब्लॉग तो खैर डला ही नहीं। फातिमा मैडम हमारी स्कूटी पे तो चल के गिरी सड़क पे, और फातिमा मैडम के दोनों घुटने छिल गए, कमर में चोट आई, मुंडे में चोट आई, कंधे में चोट आई, हर जगह ठुक गई है। शाइस्ताबाजी के यहाँ से जीने पे से गिर गई, मतलब पता नहीं कौन सी चप्पल से नजर उतारूं फातिमा की, मेरे समझ में नहीं आ रही, रिलैक्सो की चप्पल लानी पड़ेगी। तो गाइस अभी फातिमा ठीक है, साथ में यहाँ पी चल रही है, यहाँ पी तो यहाँ पी नहीं, यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे दावत की तैयारी, सुबह सुबह का टाइम है, तो आज शाम की दावत है, बने रहो हमारे साथ, शायद मजा आया आपको ब्लॉग के अंदर। इंशाल्लाह आपको जितना हो सकेगा उतना दिखाएंगे। हाँ, और जितना नहीं हो सकेगा, और जिनको छुपाना होगा उनको छुपाएंगे, कोई छुप छुप कर आएगा, कोई दिख दिख कर आएगा, देखेंगे जैसा भी होगा, ब्लॉग करना शुरू कर दिया हमने। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। सुबह से बेचारी जब से ये दुल्ही है ना हमारे घर में, नमकदानी देखो कहाँ भी सड़क पे जा रही है, देखो जल्दी उठा लो, जब से ये दुल्ही है 3 दफा तो मेरा पेड़ लग चुका, अब आप ही चढ़ गए इनके ऊपर। ये मैं उठा के यहाँ रख देती हूँ, अभी ये यहाँ से सीधी सड़क पे जाएंगी, थोड़ी देर में सड़क पे चलाना पड़ेगा इनको उठा के। तो भाई यहाँ पे चल रही है कीमे की पिसाई। तो गाइस देखते देखते बज गए 11:30 और अभी चल रही है यहाँ पे नाश्ते की तैयारी। अभी किचन में अंधेरा सा हो रहा है ना, लाइट लगानी पड़ेगी एक लागे। तो भाई यहाँ पे किचन में, क्योंकि अब रमजान भी तो आ रहे हैं ना, तो किचन को तो चमकाना पड़ेगा, जब भी तो औरतों का दिल लगेगा किचन के अंदर। और क्या, किचन और एक बाथरूम, यहाँ पर बड़े बल्ब होने चाहिए, बड़े बल्ब होने चाहिए। चलो किचन में तो समझ में आता है, बाथरूम में क्या देखोगी भाई? बाथरूम में नहाना देखेंगे ऐसे नहा भी रहे नहीं। तो गाइस यहाँ पे नाश्ते की तैयारी चल रही है, वैसे तो फैन पापे थे मगर दिल चाह गया आलू की वर्गियों का, जिन्हें बहुत सारे लोग आलू की कतलियाँ बोलते हैं, आलू के चंदे बोलते हैं, तो ये रहे आलू के चंदे, ये बना रही है अभी आप ही। और यहाँ पे रोटी, रात में नान लेकर आया था, देखो कितने जला हुआ नान दिया उसने, इसे तो आप ही उसमें डाल दो, हाँ तो छरपूर में जाएगा। और ये फातिमा ने कल मीठी रोटी बनाई थी, उसका टुकड़ा बचा हुआ है, देखो मैं आप ही जरा ये चीज़ दिखा रहा हूँ, लोग बात कह रहे हैं घर के लोग दिखाओ, तो घर में तो भाई नॉर्मल यही होता है, ऐसे टुकड़े सबके घर में पाए जाते होंगे। और उसके बाद है हमारे घर में ये रोटी 3-4, इनको तला जाएगा, नाश्ता करा जाएगा, और उसके बाद हम तैयारी में तो खैर लगे हुए हैं ही। सुबह उठते मैंने चिकन धो दिया था, फिर किसने धोया? कभी मेरी भी तारीफ होने दिया करो, फौरन आवाज़ आई। हाँ, बेड में से कौन सा खतर निकाल लियो? निकाल लिए जम गई, आराम से उतर लो, उसका दर्द हो रहा हो चाय बेचारे के, आराम से खींचो बेचारा। ये बात आपको कसाई से कहनी चाहिए थी, मुझसे कह रहा तो कसाई ने तो सही दिया था काट के, तुमने फ्रिज में उसे रख के ना अड़ा दिया बेचारे को, अकड़ा दिया। सबसे ज्यादा तकलीफ होती है इनको जो बेचारों को, जब ये कटते हैं, इनको तकलीफ जब होती है जब किसी के यहाँ दावत रखी जाती है, बिचारों की इनकी कजा आ जाती है, ये कहते हम पे क्या आफत आई यार, दावत इनकी यहाँ हो रही है, हम कटेंगे दावत में इनकी, हम कटेंगे। तो गाइस आप इन्हें बना दी है यहाँ पे सुबह सुबह आलू की वर्कियाँ, ये लो बर्फी बनाई है, नमक है नहीं ताकि ब्लड प्रेशर ना बढ़े। और यहाँ पे फातिमा ने बनाया था रात को ये शाही पनीर। वहाँ लाइट में मत घुसो हानिया बाबू, आके तैयारी करो, मेहमान आ रहे हैं, आपके फ्रेंड भी तो आ रहे हैं ना, आओ जल्दी आओ इधर तैयारी करो। तो गाइस कस्टर्ड और कीमा तो मेरा तैयार हो चुका है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ फ्राई और यह है चंगेजी, तो अब मैं इन दोनों की तैयारी कर रही हूँ और बस सिर्फ रह जाएगी बिरयानी। गाइस मेरी चिकन की तैयारी, चिकन चंगेजी की तैयारी आधी हो चुकी है, ये काम भी निमट चुका है मेरा, यहाँ पे फ्राई हो गया सब ये, और मैंने अभी इसमें बेसन डलेगा फ्राई में, और इतने सेक लेती हूँ यहाँ पे चिकन, इतना
इतना ही आ रहे हैं ना, इतने में अपना आधा काम निपटा लेती हूँ फटाफट से। और ये सब मैंने चटनी की तैयारी कर ली है यहाँ पे, ये बिरयानी का सामान है, अभी सब कुछ साथ साथ चल रहा है। गाइज हमारी एक सब्सक्राइबर हैं ड्रीम वर्ल्ड के नाम से, वो कह रही थी भाभी आप बिरयानी की रेसिपी देना मुझे। अभी तो खैर मैं दे नहीं पाऊंगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम है पकाने का, और इंशाल्लाह मैं जब अलग से बनाऊंगी ना तो ज़रूर दूंगी आपको। गाइज यहाँ पे डैडी इतना सारा सामान लेके आ चुके हैं। तो गाइज 2:15 बज चुके हैं और हमारी ये ना लड़ी है ना टूट रही है, अभी इसको सीधी करते हैं। सीढ़ी मंगा के चलो बच्चों, तुम आ गए, सीढ़ी वीढ़ी लेकर आओ, अब मेरे साथ लग जाओ दोनों के दोनों। सीढ़ी बाबू ये लड़ी टूट रही है ना इसकी। तो गाइस यहाँ पे चिकन को अच्छी तरीके से मेरीनेट करा जा रहा है। ली कौन आ रहा है हमारे घर पे? मुझे शामिर आ रहा है। शामिर तो पिछले रमजान में तो आप ही तुम यही थी हमारे घर पे, और अब की बार कैसे होगा? अब की बार तो मैं अपना बस नमाज रोजा रखूंगी, नमाज पढ़ूंगी, यहाँ नहीं आऊंगी, पानी और खजूर से रोजा खोलूंगी, खाना मेरा बंद, यहाँ नहीं आऊंगी। तो बच्चों दुआ करो इनका पानी भाग जाए पिछले साल की तरह, दुआ करो। सो गाइस देखिए यहाँ पे डैडी और भैया आ चुके हैं कोल्ड ड्रिंक लेके। ओए भैया चार मंजिला में जो ना किसी ने मार देगी। कौन कौन ऊंची ऊंची मंजिलों से परेशान है हमें कमेंट करके बताना यार। और आप तो इतना भारी सामान लेकर आओ। तीन यहाँ पे डेरी लगा रहे हैं बंद। अरे जल लिया वो यहाँ पे काटती है फ्रूट्स कस्टर्ड में दलने के लिए। ये है ग्रेप्स, ये है पोमेग्रेनेट। गाइज मुझे ना कस्टर्ड बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे कस्टर्ड ही नहीं सारा मीठा अच्छा लगता है। खीर भी अच्छी लगती है। अब मैं वहाँ इतनी खीर बना के आई तो यहाँ कह रहा है फूफो खीर बनाओ। मैंने कहा अभी थोड़ा पुरानी होने दो, बहुत सारी खा ली थी वहाँ पर। तो गाइस अभी बच्चे को काम मिल चुका है ये डिनर से जीने। अरे बाबा ये तो पलट ही गया। भाई चलो ये चढ़ जा। अरे बाबा गाइस ब्रेकिंग न्यूज मिली है, मैं गिर गया जीने पे से। गाइस मैं कुछ सेटिंग बनाता हूं। चलिए गाइस जुगाड़ तो हो गया, चलते हैं अब नीचे। गाइस बज गए शाम के 5:30। गाइस बादल देखो कितने प्यारे हो रहे हैं, ये देखो। और ये देखिए गाइस ओए होए फरिश्तों ने ना ड्राइंग कर दी है, देखो वहां सूरज वहां चला गया। गाइस ये देखो संबल डोडे का पेड़ कितना बढ़िया लग रहा है भाई। तो फातिमा ने पकाए तो हैं, हमने तो यहाँ से ले लिया। हाँ हमने तो ये वाली डंडी खींची थी, ये वाली यहाँ से पकड़ के खींच के भी दूर है भाई। बहुत तो होंगे ना यहाँ से। इस पे बहुत सारे, आप ही देखो इस पे कितने सारे हैं। लेकिन हाथ में नहीं आ रहे। ये देखो कितने सारे हैं, गुच्छे के गुच्छे। संभल लुटेगा अंगूर लटक से तो मजा भी आता। सो गाइस देखिए डैडी यहाँ पे निकाल रहे हैं नाश्ता। निकाल कर मैं तो खा रहा पहले। तो गाइस मेहमान हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि हमारी फुफ्फो। अगर हो सका तो आपको वीडियो में जरूर दिखाएंगे उनको। बिल्कुल हो सका तो। तो गाइस यहाँ पर हमारी फुफ्फो आ चुकी हैं। अभी फुफ्फो के साथ माशाल्लाह से उनके तीनों बेटे हैं और 2 बहुएं आई हैं, क्योंकि हमारी एक भाभी जो है सबसे बड़ी वाली वो नहीं आ पाई। हम लोग इस दावत के अंदर उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एल्बम नहीं मिली, चूरा मिला। जिस हादसे को मैं भूल गया ना शादी के बाद, वो फातिमा आज याद दिलवाएगी मुझे। तो भैया यहाँ पे पुराने पुराने फोटो जा रहे हैं निकलने हमारी शादी के। ये देखो ऐसा लग रहा है मेरे 40-50 साल हो गए मेरी शादी हुए हुए। इतनी बुरी हालत हो रही है इनकी।
भाभी ये वाला फोटो देखो, फातिमा पूरी खुश थी कि टाई लगा के लड़के से शादी हुई है, दिल्ली आ रही हूँ शादी हो गए। हाँ अरे लड़का टाई बांधता बहुत पढ़ा लिखा है लड़का, पूरा गांव खुश था दिल्ली से बारात आ रही है फातिमा, मैंने पूरा गांव खुश था दिल्ली से बारात आ रही है। तो ये हमारी अम्मी, आप ही लग रही है, देखो अम्मी बिल्कुल आप ही लग रही है। भाई साहब भाई साहब देखो आप ही कितनी आ रही है, जो जोकर को देख के हंसी आती है। ये फोटो आया था फातिमा का जब मेरा रिश्ता लगा था फातिमा से, पैसा बर्बाद। मेरी बीवी ने कहा 250 रुपए के दोगे, तो कह रहा मैं ऐसा हो गया जैसे अपनी बीवी के साथ ही नहीं हूँ, कह रहा मैं तो इधर को चल दिया शर्म के मारे, कह रहा है 300 रुपए की टीवी दी है, 300 रुपए की टीवी दी है। मुझे भी तसल्ली हुई होगी, मुझे करता है खुशी होगी ना, तो 18 साल बता रहा हूँ 300 की लाई हूँ, वो खुशी नहीं। अगर वो 300 की बता के 300 की देना चाहता हूँ, हमारी भाभी को भी काम पे लगा दिया फातिमा ने बुला के। नहीं अपना फिर फ्रेंड, हम फ्रेंड भाभी आपकी कमी महसूस हुई बहुत ज्यादा, और तीनों आना इंशाल्लाह, तीनों इकट्ठे आना, ये हमारे यहाँ नहीं आ रही आ गए आ गए आ गए सब ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। गाइस रात के 3 बज चुके हैं, अभी अभी बर्तन वगैरह धोके मैं फारिग हुआ हूँ। गाइस कहने का मतलब ये है कि यार अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज यार एक थंब भेज दिया करो। और गाइज रमजान भी आने वाले हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। कोशिश करूंगा कि व्लॉग आप लोगों को बीच बीच में देता रहूं, रोज नहीं व्लॉग दे पाऊंगा, मगर हाँ कोशिश रहेगी कि चाहे छोटा सा व्लॉग दें मगर आप लोगों को जरूर हम व्लॉग दें। हैं ये नोटंगी मेरी नोटंगी प्यारी सी। तो ठीक है गाइज बंद कर दें इस सारे व्लॉग को यहीं पर, इस उम्मीद से कि शायद आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। तो चलिए ज्यादा बोर नहीं करते, बड़ी 3 बज चुके हैं, बर्तन मैंने धो दिए, सुबह सफाई करूंगा उठ के। ओके अल्लाह हाफिज़।